लाइक दूंगा मामला ले आया, लाइक जी तो है, मीडियम दूंगा मामला ले आया। बताना बताना तो घर है एक्चुअली। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। छठा रोज़ा आप सबको मुबारक हो। सुबह व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थका हुआ था। मैं उठा, सहरी की नमाज़ पढ़ा और सो गया। फिर उसके बाद अभी मैं उठा हूँ तो व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। आज बहुत ज़्यादा ही काम है, मुझे अपनी पिक्चर भी शूट करवानी है बर्थडे की, क्योंकि कल 7 रमज़ान है और कल मेरी बर्थडे है, और बर्थडे का सामान वगैरह भी लाना है, और आज ना शॉप पर काम है, मुझे शॉप भी जाना है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर लेना ताकि बर्थडे वाला व्लॉग आए और आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी मैं सबसे पहले शावर लूँगा, अपने कपड़े चेंज करूँगा, देन उसके बाद शॉप जाऊँगा। मैंने अपना फेवरेट कलर ब्लैक पहन लिया और अब मैं जा रहा हूँ शॉप पे। शॉप से आने के बाद शॉप से अभी अभी आया हूँ और लाइट नहीं है क्योंकि लाइट इधर जाती है 2 से 3, लेकिन आज 3 से ज़्यादा हो गया, अभी तक लाइट नहीं आई है। और अब मैं जा रहा हूँ आबिद के पास क्योंकि मुझे आबिद को पिक करना है, वहाँ से फिर अपने लिए शर्ट लेने जाना है जो मैं बर्थडे में पहनूंगा, फिर उसको घर लेकर आना है, वही मेरी पिक्चर शूट करेगा और एडिट भी वही करेगा। तो अभी आबिद मेरे साथ घर पे आएगा पिक्चर वगैरह लेने मेरी, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों को दिखानी है, पहले मैं ये कर लूँ। और मुझे अभी डेकोरेट का कुछ भी नहीं पता है, सिस्टर लोगों ने कुछ भी नहीं बताया है, और सिस्टर लोगों ने कहा है कि बस तुम सामान ला के दे देना, मैं डेकोरेट कर दूँगी अच्छे से। मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता, और अभी मैं जा रहा हूँ आपके पास क्योंकि मुझे अभी उसको लेना है, फिर वहाँ से शर्ट लेने जाना है। लाइक दूंगा मामला ले आया, लाइक जी तो है, मीडियम दूंगा मामला ले आया। इसमें और कौन मामला लगा? सही है, सही है। तो कद्दर कलर क्या बोल रहे? क्या बोल रहे? वो ज़्यादा अच्छा लगा, देख ले। हाँ जी कैमल, इस पे ऐसा नहीं पीला पी। अबे लाइट कलर ली, इस पे पीक का पीक जबरदस्त आता है, इस पे हां उस कलर का पीक बड़ा टायर्ड है। अबे लगे हां डार्क लगे, तुम काम मरने चले गए थे बेटा। बस सही है, फिर ये सही है, ये सही है। हां नहीं डार्क नहीं है, अभी तो बोल दे। शर्ट लेकर आ चुका हूं, राबित भी आ चुका है मेरे साथ, वो रूम में बैठा हुआ है। अभी मुझे शर्ट जल्दी से प्रेस करके रेडी होना है क्योंकि वो मेरा वेट कर रहा है मेरी पिक्चर वगैरह लेने के लिए। फाइनली मैं पूरा रेडी हो चुका हूं, अब मैं जा रहा हूं अपनी शूट करवाने। मेरे को पता खराब हो गया, ये लाइट जला, ये लाइट वो खराब नहीं लगी। इतना दूर से ले रहा मसला, इसको थोड़ा गिरा के रख दूँ।
सही से बीच में लाओ, फेस सीधा कर, स्माइल कर, बैकग्राउंड चेंज कर। फाइनली पिक्चर वगैरह शूट हो चुकी है, ये मैं अभी लेकर आया था क्योंकि ये पुराना सामान घर पे पड़ा हुआ है लेकिन मुझे मिलना नहीं था, तो मैं जल्दी जल्दी में क्योंकि सिस्टर लोग कहीं गई हुई थी, मैं जल्दी जल्दी में ये लेकर आया और अपनी शूट करवाया हूँ। अब नमाज का टाइम हो चुका है, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। अभी और भी सामान वगैरह निकालना है, नमाज पढ़ चुका हूँ मैं और अभी इसको मैं जाके पूरा सेट करूँ। ये स्टैंड वगैरह ऐसी रखा हुआ, इसमें मैंने अपना मोबाइल लगाया हुआ था और अभी सिस्टर सामान निकालनी, इससे सामान देखना है और सिस्टर जो मंगवाएंगी वो मैं ला कर दूंगा और पिक्चर जो है वो आबिद ने कहा है मैं खुद एडिट करके दे दूंगा। चलो एक काम से छुटकारा मिला, पिक्चर एडिट हो जाएगी, वो खुद ही करके दे देगा। तो अभी मैं देखता हूँ कि सामान में क्या क्या चीज़ है और क्या नहीं है। सामान वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, सारे बच्चों ने ख़राब कर दिया, अभी सिस्टर ने मुझे बताया। अब ना वो जो सामान बोलेंगी वो ला के देना होगा तो बहुत ज़्यादा ही खर्चा हो जाएगा। अब क्या करूं, अफोर्ड करना पड़ेगा मुझे क्योंकि मेरी बर्थडे है। तो सामान आज मैं नहीं लेकर आऊँगा क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ अपने कपड़े चेंज करने क्योंकि न्यू शर्ट है, मैं कल पहनूंगा अपने बर्थडे में। अभी जो ब्लैक वाला पहना हुआ था मैं जा रहा हूँ वही पहनने और फिर कल सामान वगैरह सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। अभी नहीं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अभी थोड़ा सा आराम करूँगा। कपड़े चेंज कर चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा लेटने में, उठूँगा इफ्तारी के 20 या 25 मिनट पहले क्योंकि अभी तो टाइम है, अभी हो रहे हैं 5:45, तो 6:30 बजे तक उठूँगा क्योंकि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ, तो मैं अभी जा रहा हूँ लेटने। आज बहुत ज़्यादा ही थक गया, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। अभी 20 मिनट बाकी है, पापा ने आवाज़ दिया है तो अब उठ के वजू बनाने, मेरा टोपी का आज ना मुझे थोड़ा सा ना चक्कर आ रहा है, पता नहीं क्यों। जल्दी से वजू बनाता हूँ और फिर इफ्तारी में बैठता हूँ। आज मैंने इफ्तारी भी नहीं देखा क्या क्या बना, वो जब बैठूँगा तभी पता चलेगा। इफ्तारी लग चुकी है और अजान होने में 10 मिनट बाकी है, तो मैं आप लोगों को इफ्तारी दिखाता हूँ और फिर उसके बाद दुआ मांग के रोज़ा खोलते हैं। तरावी और नमाज का टाइम हो चुका और अब मैं जा रहा हूँ तरावी और नमाज़ पढ़ने। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट है, दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।